हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल, आपका दोस्त एंड होस्ट, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। पेरेंट्स मेरे पास आते हैं अपने बच्चे का ग्रोथ पता करने के लिए कि मेरा बच्चा सही ग्रो हो रहा है, इसकी डेवलपमेंट सही हो रही है या नहीं। तो आज मैं अपनी वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आपने घर पर कैसे कैलकुलेट करना है कि बच्चे का वेट नॉर्मल ग्रो हो रहा है, बच्चे की हाइट नॉर्मल ग्रो हो रही है या नहीं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो कोशिश कीजिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई बुक वगैरह, कोई नोटबुक वगैरह रखिए अपने पास और उसे नोट कर लीजिए क्या क्या फॉर्मूले मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लेते हैं वेट के हिसाब से, तो आपका बच्चा पहले 3 महीने में 30 ग्राम वेट रोज गेन करेगा नॉर्मली। मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये अप्रोक्सीमेट वेट गेन है, आपका बच्चा इससे 5-10% प्लस माइनस भी कर सकता है। तो आप हिसाब लगाओ कि अगर आपका बच्चा जन्म से लेके 3 महीने तक 30 ग्राम वेट रोज गेन करेगा, यानी पर मंथ 900 ग्राम, और 3 महीने में आपके बच्चे का जो वेट है वो जन्म से लेके डबल हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। अगर आपका बच्चा जन्म पे 2.5 किलो का था तो 3 महीने में आपका बच्चा 5 किलो का हो जाएगा। उसके बाद 3 महीने से लेके 11 महीने तक का सीधा फार्मूला है, बच्चा 5 मंथ्स का है, 5 + 9/2, यानी कि 9×5=14/2, तो इसका मतलब 5 महीने पे आपके बच्चे का जो नॉर्मल वेट है वो 7 किलो होना चाहिए। अब लेते हैं 11 के बाद, यानी बच्चा अगर 1 साल से लेके आपका बच्चा 5 साल तक है तो क्या करना है आपने, एज इंटू 2+8, एज है क्या है 4, 4 ईयर इंटू 2 8, 4 × 2 8+8, तो आपके बच्चे का वेट 4 साल पे कितना होना चाहिए, 16 kg। और इस तरह अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है, यानी कि 6 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे का वेट कैसे कैलकुलेट करना है आपने, एज इन ईयर्स इंटू 7 − 5/2, एज इन ईयर्स 7 ईयर लगा लो, इंटू 7 − 5, इंटू 7 मीन्स 7 × 7 49, −5 = 44, / 2 मीन्स 22, मीन्स आपके बच्चे का, अगर आपका बच्चा 7 साल का है तो आपके बच्चे का वेट जो है अप्रोक्सीमेट 22 kg होना चाहिए। बहुत ही सिंपल फार्मूलाज हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इनको डाल दिया है। अब आता है लेंथ, यानी कि बच्चे की, जब तक बच्चा खड़ा होना शुरू नहीं करता तब तक हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं, और जब बच्चा खड़ा होना शुरू हो जाता है तो हम उसकी हाइट मेजर करते हैं। तो बच्चे की जो नॉर्मल लेंथ है, जब बच्चा बॉर्न होता है, जब पैदा होता है, तो अप्रोक्सीमेट 55 ± 5 cm होती है। तो मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो सेंटीमीटर्स में बता रहा हूँ। तो उसके बाद 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे की आपने हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एज इन ईयर्स इंटू 6 + 77। मान लो आपका बच्चा एज इन ईयर्स मीन्स, मान लो आपका बच्चा 6 साल का है, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 + 77 करने के बाद इन सेंटीमीटर्स आपके बच्चे की हाइट, अप्रोक्सीमेट हाइट आपको पता चल जाएगी। तो इस तरह आप घर पे भी अपने बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं कि बच्चा मेरा नॉर्मल ग्रो कर रहा है हाइट के हिसाब से और नॉर्मल ग्रो कर रहा है वेट के हिसाब से। तो इस तरह आप इसे घर पे कैलकुलेट कीजिए, और फिर भी अगर कोई आपको लगे कि बच्चा कम ग्रो कर रहा है या बच्चा आपका ओवरवेट जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही कम समय में आप अपने बच्चे का वेट और हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।